बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और ये मैं आपको खा के बताती हूँ। बहुत ही मज़ेदार। आम के सीजन में मैंगो कुल्फी ना बने ये तो मुमकिन ही नहीं। बच्चों के साथ साथ बड़ों का भी दिल ललचा जाता है। इस गर्मी में बगैर चूल्हा जलाए भी कुल्फी कैसे बनाई जा सकती है, ये रेसिपी आज मैं शेयर करूंगी। इस रेसिपी में कोई बिस्किट, ना ही ब्रेड और ना ही कॉर्नफ्लोर जाएगा। इसमें ना ही हैवी व्हिप क्रीम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हर जगह से ये आसानी से नहीं मिल सकती। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस मज़ेदार सी कुल्फी को बनाने के लिए ये तकरीबन 300 ग्राम डेढ़ पाव का एक आम है, इसका छिलका उतार लिया है। अब इसे क्यूब्स में कटिंग कर लेंगे। आम को क्यूब्स में कटिंग कर लिया है। इनको ब्लेंडर जग में डाल देंगे। चीनी 4 खाने वाले चम्मच ये शामिल कर देंगे। इसमें हम कंडेंस मिल्क इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसमें खुश्क दूध ये 5 खाने वाले चम्मच शामिल कर देंगे। इसकी वजह से कुल्फी में किसी किस्म के क्रिस्टल्स नहीं जमेंगे और इसका बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर बनेगा। सिंपल डेरी क्रीम, जो कि रशियन सैलड में भी इस्तेमाल की जाती है, ये तकरीबन आधा कप हम इस्तेमाल करेंगे, 100 ml। अगर आपके पास ये क्रीम नहीं है तो सिंपल जो आप घर में दूध इस्तेमाल करते हैं उसे बॉयल करें, और जब उसके ऊपर क्रीम आ जाएगी उसे ठंडा करें फ्रिज में 2-3 घंटे, उसके ऊपर क्रीम की एक मोटी लेयर आ जाएगी, उसको उतार के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून ये शामिल कर देंगे, इससे बहुत ही खुशबूदार कुल्फियाँ तैयार होंगी। इसको हाई स्पीड पे ब्लेंड कर लेंगे। कुल्फी मोल्ड में इसको भर लेंगे। इसको चम्मच के साथ ही भरा जा सकता है। लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी, आप खाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। इसी तरह सबको फिल कर लेंगे। इसको लेवल कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। ऐसा परफेक्ट ज़बरदस्त फ्लेवर की क्या बात है। इन पर ये क्यूट सी स्टिक्स लगा देते हैं। ये कुल्फी मोल्ड बहुत इजीली बाज़ार में से मिल जाते हैं। कुल्फी मोल्ड्स को फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए जमने के लिए रख देंगे। कुल्फी को चेक कर लेते हैं, तकरीबन 7-8 घंटे हो चुके हैं। इसको डी मोल्ड करते हुए इस तरह ऊपर से स्टिक को जोर का नहीं खींचेंगे, बल्कि या तो आप हाथ में इस तरह से इसको घुमा लें, इससे भी आसानी से निकल आएगी। इसके अलावा इसको एक पानी के गिलास में इस तरह से डिप करें और निकाल लें। इसको आहिस्ता से इस तरह से घुमाएंगे, इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे। वाओ, एकदम क्रीमी और मज़ेदार, और वो भी बिना घंटों कुकिंग किए, और इतनी सस्ती कि एक कुल्फी की कीमत में आप 6 कुल्फियां बना सकते हैं। इसी तरह पानी में डिप करते जाएंगे और इनको निकालते जाएंगे, बस हल्का सा गोल घुमाएंगे। वाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही टेस्टी मैंगो कुल्फियां तैयार हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।